अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी आज ऐसे क्यों? आज मंदिर में कुछ हुआ था क्या? हाँ, आई थिंक वो मंदिर में बिजली कड़क रही थी ना, तो उसमें से एक बिजली आके दादी के सर पे गिर गई और उनका ना माइंड फ्यूज हो गया। तभी इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है दादी। जूही तू भी ना, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि वजह जो भी हो, दादी की स्माइल को किसी की नजर ना लगे। शायद दादी जी को अभी तक कुंडली का सच पता नहीं चला है, इसीलिए सब लोग का महल खड़ा कर रही है। कोई नहीं, जितना बड़ा महल बनेगा उतने ही जोर से टूटेगा, फिर जाके दादी जी की अकल ठिकाने आएगी कि दूसरों के बारे में बुरा सोचने से खुद का भी बुरा होता है। फिर आपके रिश्ते की बात चली कहाँ है? क्या गोयल जी की पोती के साथ हमारे नाहर की कुंडली मैच हो गई? जी हाँ, पर मम्मी उनकी कौन सी पोती के साथ कुंडली मैच हुआ है? क्योंकि उनकी दो पोतियां है ना। रूही से। नहार बेटा। पापा आपकी दवाई का टाइम हो गया। पापा। नहार बेटा, तुझे रूही पसंद तो है ना? मां मैं आप दोनों की खुशी के लिए कर रहा हूं, इसमें पसंद प्यार की कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी उस लड़की ने मेरे पापा की जान बचाई है, इसलिए मैं उसका एहसानमंद हूं। पर भैया उनकी जान तो जूही ने बचाई थी ना? हाँ नहार बेटा, जान तो जूही ने बचाई थी। उसने देखा नहीं उसकी दादी कैसे गा गा कर सब बता रही थी कि जूही के हाथ की चोट कैसे ठीक हुई थी। उन्होंने हमें बताया था यह सब। हमें गलतफहमी हुई थी, जान जूही ने नहीं रूही ने बचाई थी। उनके हाथ में चोट भी देखी थी मैंने। तो बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने भी कोई चोट जूही के हाथ में नहीं देखी, रूही के हाथ में ही देखा था। मतलब उसकी दादी हम लोगों से झूठ बोल रही थी? हाँ, हो सकता है मैं समझने में कोई गलती हुई होगी। हाँ, वैसे भी उसकी जो दादी है ना वो थोड़ी चलाक और बड़बोली थी, उन्होंने हमारे बीच में गलतफहमी लाई होगी। नहार बेटा, तुझे इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है? देख, मैं जानती हूँ कि रूही का रंग रूप साधारण है, लेकिन सच में वो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। फिर भी अगर तुझे कोई संदेह है तो अगर आप इस शादी से खुश हैं तो मैं भी खुश हूं, मुझे कोई एतराज नहीं। ये शादी सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की खुशी के लिए कर रहा हूं बस। मैं चलता हूं। अरे कोई बात नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा करो, अरे माँ को तो फोन लगाओ, अरे उन्हें तो बताओ इतनी अच्छी खबर। जी हाँ। ये नौकरानी है क्या आपकी? तुम कहती हो कि ये दोनों बहनें हैं पर बिल्कुल नहीं लगती। अब दोनों के रंग में देखो कितना फर्क है। अरे एक देखो कैसी गोरी चिट्टी, कितनी सुंदर है, और ये देखो कैसी। बस माँ जी भी इस रिश्ते के लिए मान जाए, नहार के लिए रूही से अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। नहार के लिए जूही से अच्छा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू खाटू जी महाराज, बस अब जल्दी से ये रिश्ता पक्का कर दीजिए ना, उसके बाद रूही को भी निपटा देंगे। सड़क की उठाई बच्ची है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे खाटू जी महाराज, लेकिन बस मेरी जूही अच्छे से घर में चली जाए। जय हो खाटू जी महाराज। बस नहार जी हमारे घर में दामाद बनकर आए।
दादी को ना वीडियो कॉल लग ही नहीं रहा, लगता कोई नेटवर्क इश्यू होगा, मैं उन्हें ऑडियो कॉल मिलाती हूँ। ठीक। बस खाटू जी, बस माँ जी रूही से रिश्ते के लिए मान जाए। ये लो मम्मी, बात कीजिए। हेलो माँ जी। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो माँ जी। हेलो, लगता है नेटवर्क की दिक्कत है। हेलो। हाँ हाँ, मैं पहुँच गई। पहुँच गई कहाँ? मैं ठीक से पहुँच गई, तू कहाँ पहुँची? माँ जी मैं तो घर पर ही हूँ। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा ठीक है। अरे क्या हुआ, कौन सी लड़की पसंद की है? अरे लड़की तो कमाल की है। अरे पर है कौन, और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? बड़ी बदली बदली लग रही है। माँ जी अब आवाज क्लियर है आपको? हाँ हाँ सब क्लियर है। माँ जी गोयल परिवार की लड़की से कुंडली मिली है। वही जो पूजा में आए थे? अरे नहीं नहीं, वो जो पूजा में आए थे वो। अरे वही तो बोल रही हूँ। हाँ पर कौन सी बेटी, कौन सी? वो जूही? माँ जी रूही गोयल की कुंडली मिली है। किसकी? गोरी चिट्टी सुंदर नैन नक्श वाली। अरे क्या बोल रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माँ जी आवाज आ रही है आपको? वो रूही ने जो रतन जी की जान बचाई थी। तो कल आपने मेरे पापा की जान बचाई? हाँ इसी ने बचाई। लड़की में ये भी गुण है? अरे हाँ, जूही ने ही तो रतन की जान बचाई थी। माँ जी सच में आपको रूही पसंद है ना? बहुत अच्छा रिश्ता है, हमें तो वो लड़की पहले से पसंद है। हाँ हाँ बिल्कुल सच में, सब बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है। अच्छा चलो अब मैं फोन रखती हूँ, शाम की महाआरती में जाना है, सारी तैयारियां कर रखना, मैं शादी तक पहुँच जाऊंगी। अच्छा अच्छा अब हम गंगा नहाने जाते हैं, समय पर पहुँच जाएंगे। ठीक है माँ जी, आप गंगा नहा लीजिए। गंगा नहा ले? अरे द्वारिकाधीश आए है, यहाँ कहाँ से गंगा नहाएंगे? कितना शोर था फोन पे। माँ जी ने गंगा नहाने की क्यों बात की? माँ जी तो द्वारिकाधीश गई है, वहां तो गंगा जी है ही नहीं। मम्मी लगता है लाइन खराब है, इसलिए ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि माँ जी रूही की बात सुनकर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन माँ जी तो कितनी खुश थी। खाटू जी सब अच्छे से करना बस। सोनी ने बिल्कुल सही लड़की चुनी है नहार के लिए। मेरे नहार के लिए नैन नक्श गुण हर तरह से जूही सबसे बढ़िया लड़की है। चल तो रहा है, अब सही है। कुंडली में मोबाइल के साथ साथ लैंडलाइन का नंबर भी दिया था, हो सकता है लैंडलाइन में ही फोन आ जाए। इस रिश्ते के होने में मैं छोटी सी चूक भी नहीं होने दे सकती, मुझे सतर्क रहना होगा। ए! क्या करी, क्या काम है यहाँ से? देख नहीं रही हो कि मैं फोन के पास बैठी हूँ? क्यों उठाया फोन? दादी वो गैस बुक करने के लिए कॉल करना था। अरे तो गैस बुक करना है, घर में 10-10 मोबाइल फोन है, कोई भी फोन उठाओ और गैस बुक कर दो। जरूरी है लैंडलाइन पे घुसकर फोन करो तुम। मेरा एक जरूरी कॉल आने वाला है, मैं उसी कॉल का वेट कर रही हूँ, यहाँ बैठी हूँ। तुम जाओ, जाकर मोबाइल से गैस बुक करो अपना। ऐसा किसका कॉल आने वाला है दादी? तुमसे मतलब? किसी का भी है, तुमसे जो कहा है वो करो, मेरे सिर पर खड़ी होकर मत रहो। जाओ गैस मोबाइल से बुक करो। जी। पहले तो दादी इतनी खुश थी और अब परेशान लग रही है, आखिर बात क्या है? जी हेलो। हेलो मैम जी, क्या आपका इंटरनेट सही चल रहा है? अगर हाँ तो हमारे पास एक नया प्लान आया है। नहीं चाहिए आपका प्लान, ये हमारी जिंदगी दांव पे लगी है, इन्हें प्लान बेचने की पड़ी। प्लान बेच, प्लान बेच, प्लान बेच।
कितनी बार तो कहा कि नहीं चाहिए कोई प्लान, फिर क्यों फोन किया? मुझे कैसा प्लान? जी जी, आप कौन 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 बोल रही हैं? जी मैं सोनी गोयनका बोल रही हूँ, नहार की मम्मी। जी कही है? आपने फोन किया, याद किया हमें? कोई जरूरी काम था जी? आपसे कोई जरूरी बात ही करनी थी। जी कही है? जी वो हमारा एक प्रस्ताव है, वो हम अपने बड़े बेटे नहार के लिए आपकी पोती। क्या बोल रही हो? मेरी पोती का रिश्ता आपके नहार के साथ? भगवान, मेरी पोती के तो भाग भी खुल गए, जो आपके आपके घर की बहू बनने जा रही है वो। अब मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे मेरी पोती है ही इतनी अच्छी, लेकिन आपने ना ये बात कहकर हमारा दिन बना दिया। जी मंजूर है, मैं मंजूर है। लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। क्या ही सुनना, फोन पर सारी बातें थोड़ी ना होती हैं सोनी जी। हम और आप मिलते हैं, मिलकर बैठ के बातें करते हैं, ऐसी बातें फोन पर थोड़ी ना की जाती हैं, मिलकर बातें करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सब बातें कहाँ फोन पर अच्छी लगती है। हम कल आते हैं आपके यहाँ सुबह और वहीं आकर कल बातें करते हैं। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। बाप रे, पोती जितनी शांत है दादी उतनी ही बड़बड़ करती। मैंने अगर थोड़ी देर और बात कर ली होती ना, मेरे तो कान से खून ही निकल आते। पता नहीं उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी भी या नहीं सुनी। खैर कोई बात नहीं, कल तो जा ही रहे शगुन लेकर। कल अपनी होने वाली बहू को शगुन का कंगन देकर रिश्ता पक्का कर ही लूंगी। क्या हुआ पूनम, किसके भाग खुल गए और आप इतनी खुशी से किसके साथ बात कर रही थी? प्रतीक के पापा, ये समझिए अपने घर की खुशी अब दुगनी होने वाली है। हाँ मेरी चूही, मेरी पोती, दादी क्या है ये सब? सुबह से मेरे पीछे पड़े हो, अब बताओगे भी हुआ क्या है? हुआ क्या है? अभी बताती हूँ। मेरी जूही के लिए नहार गोयनका का रिश्ता आया है। जूही के लिए? मेरी जूही पिटनिया बनेगी सुननिया, सच्चे आएंगे दूल्हे राजा नहार गोयनका। अरे क्या है दादी ये सब? मेरी शादी, मेरा रिश्ता, पहले आप रूही के पीछे पड़ी थी उसकी शादी कराने के लिए, आप चाहती थी कि वो घर से निकल जाए, अब आप चाहती है कि मैं भी निकल जाऊं इस घर से? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं क्यों चाहूंगी कि तू हमारे इस घर से निकल जाए? एक अच्छे घर में तेरा रिश्ता करना चाहती हूँ बेटा, मैं तेरा घर बसाना चाहती हूँ। इतना अच्छा रिश्ता आया है गोयनकास का, बताओ। अरे बेटा, तो उस घर में रानी बनकर रहेगी, रानी बनकर, है ना बेटा? दादी मुझे नहीं करनी है शादी, मेरे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे ला सकती है? कैसे ला सकते हैं मतलब? प्रतीक के पापा, आप चुपचाप खड़े देखते रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? अरे सर समझाइए ना इसे, क्या इतना अच्छा रिश्ता घर में रोज रोज आता है किसी के? क्या इतने अच्छे रिश्ते को हम ऐसे ही ठुकरा दे? जाने दे उन्हें। वैसे जूही बेटा, घर बाहर तो अच्छा है, तो इन्हें रिश्ता करना मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। जूही तेरी तो लॉटरी लग गई है, और तू ऐसे बोल रही है? जूही, जूही दादी तो तेरा भला ही चाहेगी ना, और वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं, तू बहुत खुश रहेगी वहां। नहीं अच्छा घर है ना, तो तू कर ले शादी। जूही, सॉरी दादी, लेकिन मुझे ये शादी वादी नहीं करनी, मैं नहीं करूंगी, बात खत्म।
बेटा आखिर क्यों नहीं करनी है तुझे शादी? क्यों? अरे इतने बड़े लोग हैं, इतना अच्छा रिश्ता सामने से चलकर हमारे घर आ रहा है। ओह, खिला रहे हमारे घर में, शादी की बात करने, रिश्ता पक्का करने, इतनी बड़ी बात है ये। और तू? नहीं बेटा नहीं, तू अपनी ये सब छोड़ दे। हाँ दादी, जिद आप कर रहे हो, मैं नहीं। आप रूही को नचा सकते हो कठपुतली की तरह, पर मुझे नहीं दादी। जूही, मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, बस। अरे जूही, मेरा बेटा शादी के लिए मान गया है, मजा आ गया। पापा की हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया, दवाएं तो टाइम पे दी जा रही हैं, फिर क्या इश्यू है? आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। सोनी जी, आप आइए। ये आप ऐसे? आप सच में बीमार है ना? सच सच बताइए, सच में बीमार है ना? देखो, वो जो पहला अटैक आया था ना, वो एकदम ठीक था, लेकिन अभी जो आया ना, वो नाटक। नाटक? ये नाटक था? ये दवाइयां, ये नाटक था? क्यों रतन जी, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने ये सब इसलिए किया कि नाहर शादी के लिए हाँ कर दे, बस। जी मैं बात करता हूं उनसे। और गुप्ता जी, कल वाली रिपोर्ट भेज दीजिए प्लीज। जी आपने ये इतना बड़ा नाटक सिर्फ नाहर से हाँ बुलवाने के लिए किया? हाँ सोने जी, लेकिन इस सच का नाहर को पता नहीं चलना चाहिए। देखिए, वरना किए कराए पर पानी फैल जाएगा। मैं बस नाहर को खुश देखना चाहता हूँ, बस। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? सोनी जी, ये बात झूठ नहीं है कि मेरा दिल अब कमजोर हो चुका है, और ये बात भी झूठ नहीं है कि आने वाले समय में हम दोनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हमारी बेटी अवनी रोमिल के साथ खुश है, और हमारे बेटे समर को भी कोई ना कोई मिल ही जाएगी। पर नाहर का क्या? वो तो हम दोनों के बिना अकेला रह जाएगा ना। सोनी जी, आप तो जानती हैं, जिंदगी में हम सफर की क्या अहमियत होती है। नाहर की माँ के देहांत के बाद मैं एकदम टूट गया था, एकदम बिखर गया था, और मेरी जिंदगी जो थी ना, धीरे धीरे अंधेरों में जा रही थी। और मैं एक दिन उन्हीं अंधेरों में खो जाता। और अगर सही समय पर आपने मेरा हाथ थाम लिया, और सोनी जी, हमारे नाहर की जिंदगी भी उसी तरह से अंधेरों में खो रही है, उसे एक जीवन साथी की बहुत जरूरत है, जो उसकी जिंदगी को अंधेरों से निकालकर खुशियों भरी रोशनी में ले जाएगी, और जो उसे फिर से जिंदगी में जीना सिखाएगी। आप ये सोचिए कि अगर नाहर को इस सच्चाई के बारे में पता चला तो कितना गुस्सा होगा वो। क्या पता चल जाएगा छोटी मां? और पापा,
खड़े क्यों हैं? अरे हाँ हाँ आपको तो आराम करना चाहिए ना। हाँ मैं भी वही कह रही थी नार बेटा, अब तेरे पापा चलने फिरने की जिद कर रहे थे, मैंने कहा नार को पता चलेगा तो वो तो नाराज हो जाएगा। पापा आपके रिपोर्ट्स बहुत खराब है पापा, प्लीज अपना ध्यान रखिए। अब तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया ना तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। नहार बेटा हम तेरे लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, जाकर तैयार हो जा। हाँ बेटा तू तो तैयार हो जा। छोटी माँ मैंने तो हाँ कर ही दिए, आपको जहां सही लगे वहां फाइनल कर लीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। अगर लड़की वाले पूछेंगे तो हम क्या ही जवाब देंगे? तू नर्वस तो नहीं है ना? नर्वस और मैं? नर्वस तो मैं उस मिस्टर नहार को करूंगी। हाँ लेकिन एक बात है, ये सजना सवरना शादी एंड ऑल ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। देख तू एक बार उनसे बात करेगी, खुले दिल से सोचेगी ना तो तुझे सब अच्छा लगेगा, और मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स भी तो है ना हमारे साथ। वैसे आज तो तू कातिल लग रही है। अच्छा मेरी लाइन मुझ पर ही चिपका रही है, वेरी गुड। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? मैंने कहा था तुम्हें जूही को तैयार करने के लिए, यहाँ बैठकर हंसी ठट्टा करने के लिए नहीं। हाँ दादी। हाय मेरी लाडो, प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लग जाए। अरे रूही वो जो स्पेशल कचौड़ी जिसके लिए बोला था मैंने वो बनेगी नहीं? हाँ दादी मैंने सुबह ही बना ली थी। और वो दो तीन तरह के शरबत? हाँ दादी मैंने सब तैयार कर लिया है, खसखस का शरबत, नींबू पानी के लिए नींबू काट दिए, फ्रिज में बर्फ लगा दिया है, और सोहन हलवा भी बना दिया, रसमलाई भी तैयार है। दादी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उन लोगों को जूही पसंद आ जाएगी। पसंद कर लेंगे? क्या मतलब? अरे वो जूही को पसंद कर चुके हैं, जूही की टेंशन नहीं है मुझे, फिक्र तो मुझे इस रूही की है कि कहीं इसकी काम चोरी की वजह से कोई काम खराब ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बस जल्दी से जूही की शादी हो जाए, फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर मैं इसे भी विदा कर दूंगी, इससे पीछा छूटेगा मेरा। दादी जी वो मेरा दिल कहता है कि आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, और क्या पता आज कुछ चमत्कार हो जाए। हाँ क्या मतलब? अब कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं बस तैयारियां देख के आती हूँ। हाँ अब आती हूँ। आ गए लड़के वाले, आ गए, इसको जल्दी से तैयार करके रखो। हाँ जी दादी। जाकर देखती हूँ। नमस्ते नमस्ते। हे भगवान, सिर्फ रिश्ता पक्का करने पर इतना शगुन? सॉरी वो रतन जी नहीं आ पाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी। जी हम समझ सकते हैं, लेकिन जिनके रिश्ते की बात करनी है नहार जी वो नहीं आए। आइए आइए ना, अंदर आइए प्लीज, आइए। Thank you.
बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। जी वो नाहर को कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उसे मीटिंग के लिए जाना पड़ा, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। देखिए मैं समझ सकती हूँ आपकी पोती को उससे मिलना होगा, बात करनी होगी, इनफैक्ट मिलना भी चाहिए। आजकल के बच्चे तो शादी से पहले मिलना जुलना एक दूसरे को जानना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम रोका कर लेते हैं, इन दोनों को फिर किसी और दिन मिला देंगे। जी बिल्कुल हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, अब इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा कारोबार है, उन्हें संभालना है, घर के बड़े बेटे हैं, इस कारण जिम्मेदारियां भी तो बड़ी बड़ी हैं उनकी, वैसे भी बच्चों ने एक दूसरे को तो देखा ही हुआ है। अरे यार जो लड़का मुझे देखने आने वाला था वो खुद ही नहीं आया, यानी दादी कैसे घर में शादी करवा रही है मेरी, मैं कितने सारे सवाल पूछने थे मुझे, मुझे क्या पता शादी के बाद वो मुझे बाहर जाने देगा कि नहीं, दोस्तों से मिलने देगा कि नहीं, घूमने फिरने देगा कि नहीं, अब इन सारे सवालों के जवाब मुझे नहीं पता होंगे तो मैं कैसे हाँ करूंगी इस रिश्ते के लिए। रूही देख सबसे पहले तो तू पैनिक मत हो, ये ले पहले पानी पी। देख जूही किसी भी रिश्ते के हाँ करने के लिए ना वो पार्टीज में जाने देगा कि नहीं ये जानना जरूरी नहीं होता, ये जानना जरूरी होता है कि वो तेरा हर सुख दुख में साथ देगा कि नहीं। हम सफर ना जिंदगी भर का साथी होता है, वो तेरा साथ जिंदगी भर निभा पाएगा कि नहीं ये जानना जरूरी होता है। अब मम्मी पापा को ही देख ले, वो दोनों कितने डिफरेंट थे ना, पापा को पार्टीज करना पसंद था और मम्मी वो बिल्कुल सीधी सादी सी थी, पर फिर भी दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया ना, ये होती है एक सच्चे साथी की पहचान। तू आज के दिन कोई गड़बड़ मत कर, एक बार ये रिश्ता पक्का हो जाने दे, फिर तू आराम से नाहर जी से बात कर लेना, ठीक है? इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी पूनम जी, रिश्ता जुड़ने जा रहा है हमारा तो हम खाली हाथ थोड़ी ना आते। ये बात भी सही है। वैसे आपकी वो पोती? जी मैं भी अभी अभी लेकर आती हूँ। मम्मी पापा आज आपकी एक बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। जैसे आप दोनों का रिश्ता इतना प्यार भरा और खूबसूरत रहा है, वैसे ही आप दोनों अपना आशीर्वाद देकर इस नए रिश्ते में भी प्यार सम्मान और विश्वास बनाना। अरे तुम दोनों यहां खड़ी होकर क्या कर रही हो? लड़के वाले आगे इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे, चल। तुम कहां जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगे। ये रिश्ता जूही के लिए आया है और मैं नहीं चाहती तुम्हारी मनहूस शक्ल का साया भी इसके इस नए रिश्ते पर पड़े। प्लीज मुझे आने दीजिए, मेरी लौती बहन का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। इस खुशी से तो मुझे दूर मत कीजिए। इसीलिए दूर कर रही हूँ तुम्हें, अभी तो इसकी खुशी खुशी रहेगी वरना तुम्हारा क्या भरोसा, इसकी खुशियों को गम में बदल दोगी तुम। और आप दोनों भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद आप दोनों भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। प्रॉमिस? अगर आप चाहती हैं कि मैं बाहर आऊं तो रूही भी मेरे साथ चलेगी।
जूही ये क्या सतह है? मैंने कहा ना ये नहीं जाएगी, मतलब ये नहीं जाएगी। मैंने भी कह दिया दादी, अगर आप चाहती हैं कि मैं बाहर जाऊं तो ये मेरे साथ जाएगी। जूही छोड़ ना, मेरा जाना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी ये रिश्ता है। शायद दादी सही बोल रही है। तू जा, मेरा ना जाना ही अच्छा। तू प्लीज दादी के साथ जा। जूही तू हमेशा कैसे मान लेती है दादी की बात? हाँ मैं तुझे कुछ कहती नहीं हूँ, तेरी मर्जी है, तेरी लाइफ है, लेकिन आज मेरा दिन है और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चल, और तू चलेगी। दादी एक तरीका है जिससे मैं जूही की खुशी में शामिल भी हो सकती हूँ और नहीं भी जा सकती हूँ। दादी अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं पर्दे के पीछे से देख सकती हूँ? इससे मैं जूही की रस्म भी देख लूंगी और किसी के सामने भी नहीं आऊंगी। दादी अब आप इतना तो अलाउ कर ही सकती हैं ना? ठीक है, लेकिन सिर्फ पर्दे के पीछे से। क्या टेस्टी कचौड़ी बनी है ना? हमारी पोती रूही ने बनाई है। वाह फिर तो शादी के बाद मजा ही आ जाएगा, घर में जब भी कचौड़ी खाने का मन होगा तुरंत हाजिर हो जाएगी। मेरा शक सही था कि रिश्ता तो रूही के लिए आया था, अब जब ही राज खुलेगा दादी के चेहरे का रंग देखने लायक होगा। अपनी बेटा हमने अपनी बहू के लिए जो खानदानी कंगन लाए है उसे निकाल दो, पंडित जी ने जो शुभ मुहूर्त बताया था वो समय हो गया। जी बिल्कुल करते हैं। मुझे हमारी पोती शर्माती बहुत है, दरअसल हमने संस्कार ही ऐसे दिए हैं। पूनम जी शायद रूही के बारे में बात कर रही है कि वो शर्मा रही है। पूनम जी ऐसे मौके पर तो लड़कियां शर्माती हैं, पर रस्म है तो करना तो पड़ेगा ही ना। जी बिल्कुल करनी। हाय कंगन कितना सुंदर है, आगे तो पता नहीं हार अंगूठियां पायल क्या क्या मिलेगा, मेरी पोती की तो किस्मत ही चमक गई। ये कंगन हमारा खानदानी कंगन है, इसे हम अपने होने वाली बहू को देना चाहते हैं। आज मैं अपने बेटे नहार का रिश्ता ये क्या बोल रही हैं आप सोनी जी? ये कंगन आपने इसे क्यों पहना है? जी मैं तो अपने होने वाली बहू को कंगन पहना रही। लेकिन ये आपकी होने वाली बहू नहीं है। तुमने कैसे पहन लिए कंगन? इधर आओ तुम। कैसे पहन लिए ये कंगन? दादी उतारो इसे, उतारो, मैं कहती हूँ उतारो इसे। दादी दादी आ, आ, आ। पूनम जी ये आप क्या कर रही है? छोड़िए इसे, छोड़िए। शगुन का कंगन पहनाया हुआ है, इसे उतारा नहीं जाता।
पूनम जी और अभी हमारी होने वाली बहू है। नहीं सोनी जी, ये नहीं है आपकी होने वाली बहू। मैं कह रही हूँ ये नहीं, आपकी होने वाली बहू तो जूही है। इससे रिश्ता तय हुआ है पूनम जी। हम अपने बेटे नहार का रिश्ता आपकी पोती रूही के लिए लेकर आए थे, ना कि जूही के लिए। ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप सोनी जी? आपने तो खुद फोन किया था ना मुझे, मुझे फोन करके आपने बोला था कि आप अपने बेटे का रिश्ता मेरे मेरे पोते जी। पूनम जी, आपने मुझे फोन पर बात करने का मौका ही कहाँ दिया? अब तो खुशी से नाचने लगी थी जी। वो हमारा एक प्रस्ताव है, वो हम अपने बड़े बेटे नहार के लिए आपकी पोती। क्या बोल रही हो? मेरी पोती का रिश्ता आपके नहार के साथ? पूनम जी, मैं बार बार आपसे फोन पर यही बात कह रही थी कि हमें अपने बेटे नहार के लिए आपकी पोती रूही पसंद है, ना कि जूही। नहीं नहीं हो सकता, नहीं। रूही के साथ आप कैसे रिश्ता कर सकते? अपने बेटे नहार तो कैसे कर सकती है सोनी? पूनम जी, आप ही ने तो रूही की कुंडली भेजी थी ना मंदिर में। पंडित जी ने हमें रूही की ही कुंडली दिखाई जो नहार की कुंडली से मैच होगी। मेरे पास फोटो भी है, मैं भी आपको दिखा दी। आप भी मेरा फोन देना जी। ये देखिए, ये देखिए। रूही, ये कैसे हो सकता है जबकि मैंने जूही की कुंडली दी थी पंडित जी को? मैंने दी थी। देखिए पूनम जी, मुझे नहीं पता कि आपको क्या कंफ्यूजन है, लेकिन हमें पंडित जी ने रूही की ही कुंडली दिखाई थी जो हमारे बेटे नहार की कुंडली से मैच हो गई है। और तो और पूनम जी, हमें रूही पहले दिन से ही पसंद है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, जो जो कुछ भी हुआ है ना, सब कोई गलत फहमी है। आप मेरी बात समझिए कि जो मेरी पोती है ना जूही, ये हर लिहाज से नहार के लायक है, उसकी बराबरी की है, खूबसूरत है, स्मार्ट है। इसकी और नहार की जोड़ी हर लिहाज से परफेक्ट है सोनी जी। लेकिन पूनम जी, रूही में वो सारे गुण जो हमारे खानदान की बहू के लिए चाहिए। लेकिन ये हमारी पोती है। हमारी पोती है, जूही और रूही दोनों ही हमारी पोती है। देखिए पूनम, मुझे पता नहीं कि क्या कंफ्यूजन है, लेकिन अगर नहार जी की कुंडली रूही के साथ मिली है और अगर रूही को कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें यह रिश्ता रूही के साथ ही आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए आप एक बार प्लीज जूही की भी कुंडली मैच करवा लीजिए। आई एम श्योर उसकी कुंडली मैच हो जाएगी। प्लीज आंटी, मेरी बहन दिल की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत साफ है। वो आपके घर को खुशियों से भर देगी। देखो रूही बेटा, तुम्हारी बातें सही हो सकती, लेकिन हमने अपने बेटे नहार के लिए तुम्हें चुना है। तुम हमें बताओ, क्या तुम्हें हमारा नहार पसंद है? सोनी जी, हमें यह रिश्ता मंजूर है। हमारी रूही ही आपकी घर की बहू बनेगी। नहीं होने दे सकते रूही बेटा, रिश्ते जो हैं वो इंसान नहीं, ऊपर वाला बनाता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, तुम ये समझो कि शायद ये तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जूही के नसीब में भी एक अच्छा वर होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं, जल्दी से जाके शादी की तैयारियां करते हैं। नमस्ते।
नमस्ते। नहीं हो सकता ये। पूनम? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पूनम आप क्या कर रही हैं आप? इस रोही ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, मेरी जूही की जिंदगी बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी, नहीं, नहीं, बर्बाद कर दी। पूनम संभालिए खुद को। पूनम शांत हो जाइए, ऐसे सामान फेंकने से और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए आप। इस तरह से आप सही कहते हैं प्रतीक के पापा, बिल्कुल सही कहते हैं आप। ये रुचिता पर ही गई है, रुचिता पर गई है ये। रुचिता की जैसी ही है ये लड़की, जैसे इसकी माँ ने मेरे बेटे को फंसाया था ठीक वैसे ही ये अपने बहन के होने वाले पति को फंसा रही है। पूनम, पूनम आप क्या बोल रही हैं? किसी ने किसी के पति को नहीं फंसाया है, समझिए आप। अरे रिश्ता हुआ ही नहीं तो फंसाना कैसा? आप समझ नहीं रहे प्रतीक के पापा, नहीं समझ रहे आप। ये लड़की एक नंबर की मनहूस है। नहीं दादी, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गए, न जाने कहां से रुचिता इसको उठा कर ले आई और घर में आने के साथ ही साथ सबसे पहले रितु को, फिर मेरे त्योहार को और उसके बाद रुचिता को खा गई। ये लड़की मनहूस है, नहीं दादी, जन्म से ही मनहूस है और आज अपनी मासूम बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका घर फंसने से पहले ही उजाड़ कर रख दिया। शर्म आनी चाहिए तुझे तो, शर्म आनी चाहिए। बोल, बता सबको, कुंडली तू नहीं बदली ना? सच सच बता दे, जूही की कुंडली की जगह तूने अपनी कुंडली रखी थी ना? बोल। नहीं दादी, मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैं तो खुद चाहती थी कि जूही का रिश्ता उस घर में हो जाए, मैं सच में नहीं चाहती थी दादी। बस कीजिए पूनम, बस कीजिए, बस। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। नहीं दादू, मैं अपनी वजह से जूही को हर्ट होते नहीं देख सकती। जूही, मुझे सच में नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। देख इसकी हालत, देख तेरे चक्कर में तेरी बहन की क्या हालत हो गई है, देख कैसे चेहरा मुरझा गया है बेचारी का, सब तेरे कारण हुआ है। कैसे टूट गई है मेरी पोती जूही, मेरी बच्ची का क्या हाल हो गया है, सब तेरे कारण। तो इस घर में नहीं रह सकती मैं, ये नुकसान और नहीं सह सकती, चल निकल, निकल, दादी निकल, निकल, जाओ मेरे घर से निकल। क्या कर रही है, बस कीजिए। तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, शांत हो जाओ। खिड़की पे ये तो खिड़की से भाग गई।
लगता अपने दोस्तों के पास गई होगी। नहीं, नहीं, उसका मन इतना दुखी हो गया बेचारी, घर छोड़कर भाग गई मेरी जुई। कहीं दुखी होकर कुछ कर ना ले भगवान। फोन लगाती उसे, फोन का फोन 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 फोन। रूही तो चिल करना, हम सब जूही को जानते हैं वो कैसी है। वो एकदम चिल्ड होगी और हम यहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं। तो बस अब अपनी शादी की तैयारी कर। अब हाँ देखे ना प्रतीक, फोन ही नहीं लग रहा इसका। वो शादी से पहले आपकी पोती को जिम्मेदार बनना सिखाइए। निहार की तरह बिगाड़ के रख दिया आपने उसे। क्या तुम पार्टी करने जा रही हो? हे यार दादी, और मैं क्या करती है आप ही बताओ मुझे। हाँ आखिर रोज रोज के ड्रामे से ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब उसका स्ट्रेस भगाने के लिए दोस्तों के साथ पार्टी करने तो जाना पड़ेगा ना मुझे। अरे कैसी बातें करते हो। और वैसे भी दादी, आपने मेरी शादी का प्लान तो बना ही लिया है ना, तो जो बची कुछ लाइफ है वो तो एंजॉय करने दो। आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाय एंड लव यू। यू भगवान, ये लड़की बिल्कुल अपने बाप पर गई है। वो भी ऐसे छुप छुपा के पार्टी करने चला जाता था, और ये लेकिन मैं भी इसकी दादी हूं। इसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं ना सही, मुझे तो इसकी जिंदगी की परवाह है। उस घर में मैं रूही का रिश्ता नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। अच्छा छोटा सा ही से खा ले, थोड़ा सा अपनी छोटी माँ के लिए ही से। वैसे भी थी मिठाई तेरी रिश्ता पक्का होने की खुशी में। अरे भाई ले ले बेटा। अरे यार थोड़ा मुझे भी दो। नहीं पापा, डॉक्टर ने मना किया है। आपने निहार बेटा देख, हम जानते तूने हमारी खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है, लेकिन सच सच बता तुझे रूही पसंद तो है ना? आप लोग खुश हैं ना, बस आप लोगों की खुशी के आगे ये प्यार पसंद कुछ मायने नहीं रखता। आप लोगों को वो पसंद है ये इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात उसने पापा की जान बचाई थी, और ये सब मैं पापा की हेल्थ के लिए कर रहा हूं। मैं उन्हें इस तरह दर्द में नहीं देख सकता। और मैं तुझे नहीं देख सकता बेटा। नार बेटा तू जानता है जब वो इस घर में आएगी ना तो वो इस घर की बहू कहलाएगी, अवनी और समर के लिए वो भाभी होगी, और तेरी पत्नी कहलाएगी। और तू जानता है बेटा, अगर उसे पत्नी का सम्मान नहीं मिला और जिन खुशियों को सोचकर वो इस घर में कदम रखेगी वो उसे ना मिले, तो बेटा बहू बेटी भाभी ये सब रिश्ते फीके पड़ जाएंगे। तो बेटा इस बात का खास ध्यान रखना, कभी भी इस घर में उसे अकेलापन महसूस ना हो। और बेटा वो तेरी जीवन साथी है, हमेशा उसका साथ देना। अरे रतन जी आप परेशान मत होइए। देखिए ऐसी बातों को थोड़ा समय तो लगता ही है ना, और मैं रूही को जानती हूँ, वो बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की। आप देखिएगा वो हमारे नहार के इस बर्ताव को बर्दाश्त भी करेगी और उसे समझेगी। आज मैं अपने बेटे नहार का रिश्ता तुमसे पक्का करती। जैसे इसकी माँ ने मेरे बेटे को फंसाया था ठीक वैसे ही ये अपने बहन के होने वाले पति को फंसा रही है। न जाने कहां से रुचिता इसको उठा कर ले आई, और घर में आने के साथ ही साथ सबसे पहले रितु को, फिर मेरे त्यौहार को, और उसके बाद रुचिता को खा गई है लड़की बनू से, और आज अपनी मासूम बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत है।
मैं अपनी बहन का घर टूटने नहीं दे सकती। इस रिश्ते पर मेरा कोई हक नहीं है। नहीं, हे खाटू जी, ये आपने क्या कर दिया? ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मुझे जूही से बात करनी ही होगी। अच्छा, छोटा सा ही सेक खा ले, थोड़ा सा। वैसे भी थी मिठाई तेरी रिश्ता पक्का होने की खुशी में। तू जानता है, जब वो इस घर में आएगी ना, तो वो इस घर की बहू कहलाएगी, और जिन खुशियों को सोचकर वो इस घर में कदम रखेगी, वो उसे ना मिले तो बेटा, बहू, बेटी, भाभी, ये सब रिश्ते फीके पड़ जाएंगे। तेरी जिंदगी में आने वाली खुशियों की लाइन काट कर रख दी, और तुझे इन ईयरफोन्स की पड़ी हुई है। तुझे पता भी है मैंने कितनी मुश्किलों से तेरा और नाहर जी के साथ रिश्ता तय कराया था? कितनी मिन्नतें की थी मैंने? वो चालाक रूही तेरी नाक के नीचे से इतना बढ़िया रिश्ता यूं उठा कर ले, और तू देखती रहे। गाने सुन बस, कान में लगा के ईयरफोन। जिंदगी को लेकर कभी सीरियस होगी? कभी समझेगी अपनी जिंदगी की अहमियत? कब बनेगी तू उस रूही की तरह चालाक और मतलबी? जब ना आप मेरे ऐसे पीछे पड़ना बंद कर दोगे तब। दादी यार, ऐसे डिप्रेस मत करो अब। एक तो पहली सुबह जो आपने ड्रामा किया ना, उसके बाद मैं इतना डिप्रेस हूँ कि मुझे अपने दोस्तों के पास जाना पड़ा। तो आजादी मिली, अब आप फिर से शुरू हो गए हो। अरे तो कब समझेगी? ये जो दोस्त वोस्त है ना, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। अगर पैसे नहीं होंगे ना तेरे पास, पैसे देख लेना, एक दिन यही तेरे दोस्त किनारा कर जाएंगे। कोई ढेले भर को नहीं पूछेगा तुझे। अच्छा एक बात सोच, जिंदगी में क्या जरूरी है? जिंदगी में जरूरी है पैसा, जिंदगी में जरूरी है रुतबा। तू नहीं चाहती बचपन में जिस घर में तू रहती थी, इतना बड़ा आलीशान घर, वापस उसी घर में रहे, ऐसे बड़े से घर में राज करे? अगर अभी भी तेरी आंखें नहीं खुली ना, तो देख लेना, तू रहेगी झोपड़पट्टी में ही, और तेरी वो कचरे से उठाई हुई बहन है ना, वो जाकर महलों की रानी बनेगी। अच्छा कभी तूने सोचा है? हर बार रूही मेरे फैसले के खिलाफ कैसे खड़ी हो जाती है? मतलब पंडित जी को मैंने तेरी कुंडली भेजी, रूही की कुंडली कैसे पहुंच गई? ना बेटा ना, वो जितनी भोली और मासूम दिखती है ना, दरअसल उतनी भोली और मासूम वो है नहीं। एक नंबर की शातिर लड़की है वो। बहन 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 जो खेलती है ना वो तेरे साथ, यही खेल खेल के उसने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। बसने से पहले अभी भी वक्त है,
संभल जा और अपनी जिंदगी की टोर अपने हाथों में पकड़। फेंक ये तार, फेंक दे। सही कह रहे हो आप दादी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। मैं अभी रूही से बात करती हूँ। अब मेरी पोती रूही दिखाएगी उस रूही की बच्ची को उसकी औकात। रूही, पूरा बात मत कर मुझसे। मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ तुझसे। बस जूही, बहुत कर ली तुमने नौटंकी, मुझे सब समझ में आता है। और रूही तुम जरा कुछ सीखो अपनी बहन से। उसकी खुशियां छिन गई, उसका रिश्ता टूट गया, फिर भी वो तुम्हारे इस जुड़े हुए रिश्ते से कितनी खुश है। और एक तुम हो जो उसकी बनती हुई जिंदगी को खा गई। बस भी करिए ना दादी, वैसे भी वो शादी नहीं करनी थी। मैं खुश हूं। अब बात बात पर रूही को सुनाना बंद कर दीजिए। तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना जूही, लेकिन देख लेना, एक दिन ऐसे ही एक एक करके सारी खुशियां ये रूही तेरी जिंदगी से छीन लेगी। तब तुझे समझ में आएगा कि तेरी दादी सही कहती थी। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।